और एक से लेकर नौ तक बड़े वजन से था उसका ये निर्णय करता है और एक से लेकर हम नौ तक पढ़े। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह कलुओं पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भयों के नाम पर धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को साबित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याचकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। तो इस पढ़े हुए वचन को आशीष करें, हम सब बैठ जाएंगे। बाइबल केवल घर में रखा है तो उसका कहना है कि अगर बाइबल नहीं पढ़ते
पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो नर्क में जाने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे नर्क में लोगों को लेके जाने के लिए काफी खुशी होती है। लेकिन जब यीशु का नाम लिया जाता है तो वो थरथराता है, घबराता है और वो एकदम जल जाता है, चिल्लाता है यीशु का नाम। यह सही परिस्थिति है, आप समझ रहे पिक्चर कि ये जो परिस्थिति है कि आज टीवी जो लाया गया है ये परमेश्वर ने नहीं लाया है। दिन भर सीरियल, अब इंटरनेट आ रहा, सीरियल नहीं, टीवी नहीं, तो अब मोबाइल से हम उलझे हुए और मोबाइल इतना आकर्षित करता है कि वो बहुत आकर्षण करता है, उठने नहीं देता, एक मैसेज पे दूसरा मैसेज, शैतान बहुत खुश है। लेकिन जब आपको बाइबल पढ़ने का वक्त आता है और बाइबल के अंदर वो सारी बातें परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से अंत तक वो सारी बातें आपके लिए रखा है, मेरे लिए रखा है, हम उसे पढ़ते नहीं, और हमें इन दिनों के अंदर एक ऐसा दूत दिया है, एक ऐसे दूत को भेजा कि जिस दूत को भेजकर हमारे लिए वो गुप्त और मनोरथ बातें रखा, वो सारी आशीष की बातें रखा, वो सारी चंगाई की बातों को हम पर बताया, लेकिन हम उन सारे बातों को देखना नहीं, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, परंतु हम इन सारे से तन बहुत खुश है। अनेक भाई बहन बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते तो आपका जीवन आशीष नहीं हो सकता, आप वापस संसार में से आए हो संसार में जाओगे, केवल आपको चर्च बचा नहीं सकता, आपको बचाने वाला केवल यीशु से, और यीशु का ही शब्द, मतलब प्रभु यीशु का ही शब्द बाइबल है। यवन्ना 1:1 के अंदर का आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ मनुष्य के बीच में डेरा किया, और वही वचन हमारे साथ बोलता है। अगर वो वचन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, वो वचन अगर नहीं है और आप बहुत पढ़े लिखे हो फिर भी आप कुछ नहीं, अगर वो वचन आपके पास ना और आप धर्मान हो तो कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास वो वचन नहीं है और आप कितने भी सुंदर हो तो भी आप कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वचन है तो आप सब कुछ आपके पास है। इसने बाइबल दिया, बाइबल इसलिए नहीं दिया कि आपको सिर्फ कोने में रखने के लिए, कबर्ड में रखने के लिए, बाइबल इसलिए दिया कि बाइबल को पढ़कर अपने जीवन को सुधारे कि इस पृथ्वी पे हम कैसा रहे, ये इंस्ट्रक्शन है कि आप पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना चाहिए, इसके लिए आपको बाइबल दिया है। बाइबल आप जो परमेश्वर से आए हो और परमेश्वर के पास लौटने के जो समय के अंदर जब इस पृथ्वी पर आप रहे तो किस तरह से रहना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से जीना है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया। बाइबल कोने में रखने के लिए नहीं, परंतु बाइबल को पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीना। शैतान आज बहुत खुश है, बहुत खुश है, और इतना खुश है कि वो चाहता है कि हम, मैं आपको बता दूं, मुझे अब इस साल के एंड तक मुझे भयंकर, मतलब लास्ट कठिन, जो सबसे चिकन गुनिया, आखिरी इसका चिकन गुनिया, 3 दिन हॉस्पिटल रहा, लेकिन 4th दिन प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे चर्च जाना, ठीक है बीच वाले दिन में नहीं जाता हूं, लेकिन मैंने वो भी नहीं छोड़ा, लेकिन संडे मुझे किसी की हालत में चर्च जाना, और घर में नहीं बैठूंगा, तो मैं आपके भवन में आऊंगा, आपका वचन सुनूंगा। और जब मैं वचन सुना तो मैंने सुना नहीं, मैंने ही पहचान लिया। मुझे याद है कि इतने बड़े मुझसे चाय का कप पकड़ा नहीं जाता था, मुझसे एक पानी का ग्लास पकड़ा नहीं जाता था, क्योंकि उससे सारे मसल्स इतने दर्द करते हैं कि उठने, अगर बिस्तर से उठने का है तो कुछ दिन मेरे पत्नी ने मेरी सहायता किया। ऐसी स्थिति में मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे आज संडे के दिन घर में
संडे फिर कैसा वो निकल गया धीरे धीरे, मैं इतना निर्बल हो गया कि मैं झुक गया था, सीधा टाइट चलते नहीं आता था तो बेंड हो गया, लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे स्थिति में अच्छा बनाया, चंगा किया और आरोग्य दिया और मैं अच्छा आज आपके सामने खड़ा हूँ। शैतान बड़ा नहीं है, यीशु बड़ा है। yes, आप शैतान को बड़ा करते हो, बीमारी को बड़ा करते हो, दुखों को बड़ा करते हो, लेकिन दुख बड़ा नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। yes. और वो उस सारे चीजों को उसने कुचल दिया क्रूस के ऊपर। वो केवल आपका विश्वास है, अगर आपका विश्वास आपके भीतर है तो वो विश्वास काम करता है और वो सारे बीमारियों को चंगा करता है। इसलिए विश्वास कृति बिना अधूरा है। yes. हमने कहा पलंग पे बैठ के कि हाँ ठीक है प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं आराम करूंगा, मैं चंगा किया। नहीं, मैंने कृति किया कि नहीं प्रभु, मैं अब आपके भवन में जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा और मेरे अंदर विश्वास था कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे प्रभु संभालेगा। और ठीक वैसा ही हुआ कि मुझे उन दिनों के अंदर प्रभु ने गिरने नहीं दिया, चलना नहीं होता था, दीवार पकड़ के ये सारी चीजें पकड़ कर चलता था, लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता की। याद तक कि हमारे पास बहन है, उस बहन के भाई, एक भाई हमारे बीच में, हमारे प्रिय भाई, उनके भांजे की शादी थी, वहां पर भी मैं गया और वहां पर भी ऐसी हालत थी, प्रभु ने मेरी सहायता की। अपनों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जब आपका विश्वास आपके भीतर पूर्ति में आता है तो प्रभु काम करता है। इससे आप विश्वास को मत खोइए, सब कुछ निकल गया तो चलेगा, लेकिन आपका विश्वास आपके भीतर होना चाहिए और जब विश्वास है तो कृति करो और कृति के बिना आपका विश्वास कितना भी बड़ा हो वो अधूरा है, वो क्या है, अपाइज है, अपाइज। लेकिन जिसका विश्वास मजबूत है और वो कृति में करना शुरू करता है तो वो एकदम काम करता है, वो भागता है, वो दौड़ता है। लेकिन जिसके पास विश्वास भी हो और वो डरता है, घबराता है, शैतान का काम है डराना, भयभीत करना, डर लाना। क्या आप चाहते हैं क्या आपके बच्चे डरे, भयभीत हो जाए? नहीं। वैसे प्रभु नहीं चाहता कि हम डरे भयभीत हो, प्रभु चाहता है कि हम आशीषित हो, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके बीच में, हमारे बीच में ऐसी 75 साल की आंटी है या बेटी है, उसका कोई मेडिक्लेम नहीं, उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसका कोई भी अपना नहीं है, उसका रेशियो सब कुछ है। yes. 75 साल के अंदर शुगर की बीमारी आती है, 40 के बाद शुगर शुरू होता है, बीपी शुरू होती है, 40 के बाद आप कुछ करो मत करो आपका बीपी शूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके सारे चीजें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो सारे सिंक होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बीमारी शुरू हो जाती है। 75 साल के ऊपर ही है वो आंटी, ना उसका कोई है, ना उसके पास कोई पॉलिसी है, ना उनके पास कोई पैसा है, ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई उनका सपोर्टर है, फिर भी आज भी 75 साल के अंदर शून्य बीमारी के साथ वो खड़ी है। yes. उसका एक ही राज है, वो ज्यादा से ज्यादा घुटनों पर था। yes, amen. अगर वो 75 साल के व्यक्ति को अगर वो सहारा दे सकता है तो आपको भी देगा। yes. उनका सारा कोई नहीं, उनका सारा यीशु मसीह। yes, amen. एक बीमारी नहीं है, कभी बुढ़ापे में जो मसल्स कमजोर होते, सूज जाते, थोड़ा दर्द होता है, वो अच्छा काम करते, अभी भी बहुत काम करते। चर्च क्या हो गया मेरे भाई बहनों, आप क्यों ऐसे विश्वास को खोते जाते हैं, क्यों हम इतने कमजोर होते जाते हैं,
परमेश्वर के आत्मा में भरना है, परमेश्वर के वचन से भरना है, और जिनके अंदर वचन होता है उनके जीवन से परमेश्वर वो सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे चीजों को मिटाता है और परमेश्वर की महिमा करता है। हम आमेन कहने के लिए डरते हैं, प्रेस वर्ड करने के लिए डरते हैं, हालेलुया बोलने के लिए। देखिए ये शब्द जब आपके मुंह से गाली अपशब्द निकलने से अच्छा आप हालेलुया बोलिए। Yes, amen. हमेशा हालेलुया, प्रेस लॉर्ड, स्तुति हो, धन्यवाद हो, ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए। आपके शब्द से अपशब्द निकलना से बेहतर परमेश्वर की दिन रात उपासना करना चाहिए, दिन रात परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, दिन रात परमेश्वर की जलाली करना चाहिए। और जब आपके मुंह से ये शब्द निकलते हैं शैतान भाग जाता है। Yes, amen. वो वहां पर खड़ा रह नहीं सकता। Yes. मैं चाहता हूँ कि आपके साथ प्रभु रहे, शैतान ना रहे। शैतान भागना चाहिए, शैतान भाग कर निकलना चाहिए और केवल परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, परमेश्वर की उपासना होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने आपको आशीष करना चाहिए। Yes. सोचिए उनको मैं 20 साल से जानता हूं, उस आंटी को 20 साल से जानता हूं। 20 साल पहले मैंने यहां पर उनको जैसा देखा आज भी वो वैसी। यहां पर भाई लोग भी, पुराने लोग वो भी देखेंगे, बताएंगे कि वो 20 साल पहले ऐसी थी, आज भी 20 साल के बाद वैसी। Yes. क्या राजा है, क्या राजा है, अच्छा खाना, केवल परमेश्वर का। Yes, amen. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन के अंदर है, परमेश्वर का वचन आप पास करना चाहिए। इसलिए आप टीवी में उलझे हैं तो आप क्षमा मांग कर प्रभु से, आप मोबाइल में उलझे हैं शैतान आनंदित हो रहा है, आप प्रभु से क्षमा मांग के उस मोबाइल इंटरनेट को बंद कर। आप चर्च नहीं जाते हो बहाना करके, आप घर में बैठो प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु मैं बहाना नहीं करूंगा, मैं घर में बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, मैं आपके भवन में आऊंगा, आपकी उपासना करूंगा। Yes. मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं प्रभु, आज से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, बाइबल को पढ़ूंगा और पढ़कर मैं आपकी महिमा करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और मैं आपकी स्तुति करूंगा। देखिए आपके जीवन में कैसा ईमानदारी से, मैं मेरे लिए नहीं मत कीजिए, आप किसी चर्च या पास्टर के लिए मत कीजिए, आप यीशु के लिए कीजिए। Yes. यीशु आपको आशीष करेगा, अगर आप यीशु से ईमानदार रहोगे यीशु आपका उसका मंदिर करेगा। इसलिए आप सब अपनी तैयारी करें, अपनी महिमा करें, और मतलब प्रभु की महिमा करें और आप प्रभु में तैयार हो जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए ये शब्द हमारे मुंह से हमेशा निकलना चाहिए, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, स्तुति हो, महिमा हो, हालेलुया। जब ये सब शब्द हम बोलते हैं प्रभु की केवल महिमा होती है, शैतान भाग जाता है, बुरे विचार नहीं आते, बुरी भाषा नहीं आती, बुरे व्यवहार नहीं आते, बुरी सोच नहीं आती, क्योंकि आपके मुख में प्रभु की महिमा होती है। Yes, amen. प्रभु की स्तुति करते रहते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं, और तब प्रभु आपकी जबान को, आपके मन को अशुद्ध होने से बचाता है और केवल परमेश्वर। इसलिए मैं प्रिय हूं प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। आइए हम अब उस संदेश की ओर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस वचन को हम पढ़े और उसको हम पढ़ना चाहते हैं। दानियल की पुस्तक इसका 9वां अध्याय और 2 वचन। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उठी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। देखिए कि ये जो बातें है दानियल के पुस्तक के अंदर, दानियल के पुस्तक के अंदर दानियल को ये बात तब चली कि अब हमारा छुटकारा आ चुका।
गुलामी से निकलने जा रहे हैं और हमारा वो 70 सप्ताह के अंदर अब हम मुक्त होने जा रहे हैं, हम आजाद होने जा रहे हैं और हम अपने देश को लोग दे जा रहे हैं। कब दानियल ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ा, जिस दानियल ने जिस बाइबल को पकड़ा, जिस बाइबल को पढ़ा, वही बाइबल आज इस सुबह के समय आप हमारे भाई बहनों के बीच में आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो बाइबल दानियल नबी ने पढ़ा था यिर्मयाह की ग्रंथ की पुस्तक, इस सुबह हमारे हाथ में भी वो यिर्मयाह की पुस्तक है। और दानियल ने उस अध्याय को पढ़कर पता चला, प्रभु ने उस पर प्रकट किया कि अब उनका समय आ चुका है, अब वे गुलामी से छूटने का समय आ चुका है और अपने देश को लौटने का समय आ चुका है। Yes. आज भी दुल्हन को सच्ची कलीसिया को विश्वासियों को जब वे बाइबल और नबी के पुस्तकों को पढ़ेंगे तब हमारे छुटकारे का समय और टाइम हमें पता चलेगा और तब हम तैयारी कर पाएंगे। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे और हम संदेश बुकों को नहीं पढ़ पाएंगे तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे। जब हम इन सारे बातों को पढ़ते हैं परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए अपने पवित्र आत्मा को देता है, पवित्र आत्मा हमें सहायक बनता है, पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी के अंदर हमारी कमी घटी के अंदर वो सहायता करता है कि हम उसमें से उबर कर निकल कर उन सारे बातों से अलग होकर पवित्र आत्मा के सहायता से हम तैयारी कर परमेश्वर के राज्य के लिए। Yes, amen. इसलिए पवित्र आत्मा देता है। Amen. आप समझ रहे? Yes. आपकी कोई भी चर्च आपकी तैयारी नहीं कर सकती। आपकी अगर तैयारी होना है आपकी तैयारी तो पवित्र आत्मा चर्च को अगर कुछ दिया है परमेश्वर ने तो केवल पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ही आपकी तैयारी कर सकता है। Yes. देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, मुझे कुछ आदत है, तंबाकू खाने की, और मैं उसके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। आज लोग ईमानदारी से प्रार्थना नहीं करते अपने बुरे आदतों को, और मैं मेरी पत्नी भी सहायता करती थी, मैं भी, और मैं सोचता था कि प्रभु ये आदत निकल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने, क्योंकि शरीर को आकर्षण हो चुका है, शरीर को वो चीजें का आकर्षण हो चुका है, परंतु पवित्र आत्मा जब आप विनती करते हो वो सारी गंदगी आपके अंदर से निकालने के लिए, आपकी तैयारी करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। Yes. आपकी मदद करता है। चर्च या कोई संस्था आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है और वो सारी आदतों को निकाल लेता है और वो आपको शुद्ध करता है, वो आपको पवित्र करता है। बहुत सारे लोग अल्कोहल या वाइन के आदत पड़ते हैं, मसीह लोग दारू नहीं पीते, मसीह लोग जो है शराबी नहीं हो सकते, क्योंकि शराब ये परमेश्वर के विरुद्ध है। परंतु अगर उनके मनुष्य व्यक्ति अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है, परंतु बहुत बार दोस्तों के मित्रों के साथ त्योहारों के अंदर वो शराब पीते हैं और शराब पीने से वे प्रभु की नजर में गिर जाते हैं और प्रभु उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब अगर वो उन सारी बातों को प्रार्थना में रखेंगे तो प्रभु उनकी सहायता करता है, प्रभु उनकी मदद करता है, एक शराबी को सुधार के एक अच्छा मनुष्य बनाता है और अगले दिनों से अगले समय से वे शराब पीना छोड़ देते हैं और प्रभु की Yes, amen. इसलिए चर्च को अब तो हम शराबी नहीं, तंबाकू खाने वाले नहीं, हम झगड़ालू नहीं है, किसी की चुगली करने वाले नहीं, परंतु चर्च फिर भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाने के लिए चर्च को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी तैयारी करेगा ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार हो सके और वह पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है परमेश्वर की उठाए जाने के। Yes, amen. प्रभु आपकी सहायता करता है। यिर्मयाह ने जो कहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया वो सही थी और
साल बचे थे और वो समय निकट आ चुका था और इनमें कहा ऐसा ही होगा, आमेन, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ कि वहां पर एक व्यक्ति था झूठा भविष्य का, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और उसने तो इर्मिया को थप्पड़ भी जड़ दिया, मतलब उसको कहा कि आप झूठे भविष्यवक्ता हो और आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन इर्मिया की भविष्यवाणी नहीं थी, वो भविष्यवाणी थी परमेश्वर की, यहोवा यूं कहता है उसकी भविष्यवाणी थी और उसके अनुसार इर्मिया ने उस भविष्यवाणी को किया और वो भविष्यवाणी सच्ची थी क्योंकि सच्चे नबी के पास सच्चा सुसमाचार आता है, सच्ची भविष्यवाणी आती है और वैसा ही हुआ। और 70 साल 70 सप्ताह के विषय में परमेश्वर ने वहां पर यर्मिया के द्वारा बताया। डैनियल ने उसको पढ़ा, डैनियल के लोग गुलामी में आ गए, बंधक बनाए गए और वे उस देश में पहुंचाए गए, अनजान देश में जहां पर वे किसी को नहीं जानते, वहां पर आकर वे गुलाम बन गए, वहां पर आकर वे काम करने लगे, उनके लिए काम करने लगे, बंधन बनाए गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब जब ये मेरे वचन के विरुद्ध जाएंगे मैं उन पर विपत्ति लेकर आऊंगा। उन्होंने क्यों परमेश्वर ने उनको गुलाम बनने दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने किसी अन्य राजा के हाथ में दे दिया और उन सबको गुलाम बनाकर अपने देश में लेकर गया। वहां पर दानिय्येल 12 से 14 साल का था उस समय और वो भी गुलाम बनकर उस देश में गया। लेकिन जब दानिय्येल बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था और जब उसने यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ा तब उसको पता चला कि अब हमारा छुटकारे का समय आ चुका है, हमारा जो आजाद होने का समय हो चुका है, हम अपने देश में, हमारे होमलैंड में, हमारे भूमि में लौटने का समय आ चुका है, हमारे भाई बहनों को हम सब जाने वाले, क्योंकि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है और 2 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। यिर्मयाह की पुस्तक में से उसने पढ़ा और उसने क्या किया, उसने अपना सब कुछ छोड़कर उपवास करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आज हमको वचन समझता है, वचन को हम नरमाई से लेते, ढिलाई से लेते, वचन को बाजू कर देते, वचन को गंभीरता से नहीं लेते, वचन को कहते ठीक है संडे प्रचार किया आप तो मेरे मर्जी से, लेकिन वचन तब काम नहीं करता। जब वचन को पूरा उसने क्या किया, अपने आप को रात के अंदर उठाया, रात के अंदर अपने शरीर को गोंताट देना, गोली को लपेटा और उपवास में बैठा। और जब उपवास में बैठा तब परमेश्वर उससे बात करने लगा, तब परमेश्वर उससे बोलने लगा और परमेश्वर ने उसको उन सारे बातों को बताया जो बातें घटने वाली है, होने वाली है, क्योंकि वो भी एक नबी था। Yes. वो गुलामी में था। फिर मैं बताता हूं, मैंने पिछले संडे भी बताया, उसके पास कोई चर्च नहीं था, उनके पास कोई पास्टर नहीं था, उनके पास कोई वो गाने की पुस्तक नहीं थी, उसके पास और कोई बातें नहीं थी, वो बलिदान और अन्न बलि और मेल बलि चुपके से चढ़ाता था क्योंकि वो परमेश्वर वहां पर उस देश में उन सारे वो वहां के देवी देवताओं को उसको वहां के वहां पर ये सारे चीजें मना थी। लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर उस यहोवा परमेश्वर के लिए वो उपवास आराधना करता था, वो ईमानदार था, वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। किसी भी परिस्थिति में उसने ठान लिया या जाना कि मुझे ये सारी चीजें करना है क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। Yes. वहां तो हरेक को उन सारे मूर्ति पूजा को करना पड़ता, आइडल वर्षो, लेकिन वो नहीं करता, वो जीवते परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां कोई क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं थे, वहां कोई फेलोशिप नहीं था कि चलो ठीक है भाई फेलोशिप करेंगे, ठीक है कोई सॉन्ग्स गाएंगे, कोई प्रचार होगा, चर्च होगा, पास्टर होगा, नहीं। केवल दानियल और दानियल के साथ 3 लोग वे
करते थे और उसके अलावा कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर उसे बात करता, क्योंकि उनका मन सच्चा था, सच्चे थे, भूखे थे परमेश्वर के लिए, सच्चा हृदय था। परमेश्वर उस नबी के द्वारा, क्योंकि नबी को बताया कि ये जो समय है ये अंतिम समय है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी आप अंतिम समय में, उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं ये लिया नबी को भेजूंगा, और पिता के मन को पुत्रों की तरफ और पुत्र के मन को पिता की तरफ, अब वो परमेश्वर, हम जो उसके बच्चे, हमें उसके तरफ मन को मोड़ रहा है और हमारा मन उसके तरफ मोड़ रहा है। क्या ही अच्छी बात है, इसलिए हमें भी नबी दिया, हमें भी एक दूत दिया ताकि हमें परमेश्वर से मिलाए। यस आमीन। Praise the Lord. मालूम पड़ा फास्टिंग प्रेयर करते हो, फास्टिंग प्रेयर, उसने फास्टिंग किया, खुद को सैंक्टिफाई किया, सैंक्टिफाई मतलब शुद्ध किया। बहुत बार प्रभु बात ही नहीं करता है, अशुद्धताओं को रखते हो हम प्रभु से बात, सैंक्टिफाई किया, शुद्ध किया, और उसने क्या किया, शुद्ध करके अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार किया, गुणता के बिना फास्टिंग किया, प्रेयर किया, और उस रात में बैठ गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि किस दिनों के अंदर हम रह रहे। आज बोझ नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोगों को मुरझे हुए अवस्था में देखता हूं, चर्च को मुझे व्यवस्था में देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि आज हम किस दिनों के अंदर रह रहे हैं, किस घड़ी के अंदर रह रहे हैं, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसा पता करना चाहिए कि ये अंतिम समय, और अंतिम समयों में हम कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें, और हमें परमेश्वर के पास वो, इसलिए उसने सोचा कि मैं कैसा कंसल्ट करूं, परमेश्वर से कैसा भेंट करूं, परमेश्वर से कैसा मिलूं, इसलिए उसने फास्टिंग किया, प्रेयर किया और उस रात में बैठ गया ताकि वो परमेश्वर से कंसल्ट कर yes. कि किन दिनों के आज को, मतलब आज वो गंभीरता है, हम कैसे जीत रहे। उसका कहना था कि हम सब जो गुलामी में आए हैं, हम सब जीवित वापस अपने देश को लौटना चाहते हैं, बाबलोन से हम वापस हमारे मूल भूमि पर, बैक टू द होमलैंड, हमारे भूमि पर हम लौटना चाहते हैं, हमारे देश को लौटना चाहते हैं। आज जीवित कलीसिया को भी हमारा देश जो स्वर्गीय देश है उसमें लौटने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज चर्च के अंदर वो सारी भूख और प्यास मिटे, हम अपने समय को कैसा जाने और हम जानकर कैसा तैयार करें। इसलिए बहुत बार हम लोग वेस्टलेस टाइम है, दोस्तों के साथ गप्पा शप्पा मारते खड़े रहते हैं, वेस्टलेस टाइम, वेस्टलेस, या वहां दो घंटा बात करेंगे, दो घंटा व्यर्थ की बातें दो घंटा करेंगे, वेस्टलेस टाइम। नबी कहता है हाउ कैन वी स्पेंड ए वेस्टलेस टाइम, हम कैसे उस समय को बिता सकते, कैसे। बहुत सारे लोग हमारे बीच में पत्ते नहीं खेलते, पत्ते से टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि संडे के दिन, आजकल लोग संडे के दिन स्विमिंग को लेके जाते हैं बच्चों को, वही बताया सैतान बहुत खुश होता है, बोला नहीं नहीं संडे के दिन स्विमिंग का टाइम रहता है, स्विमिंग करने के लिए जाते संडे के दिन, संडे के दिन वे सारी बातें करते हैं, लेकिन प्रभु का आना बहुत नजदीक है। आप समझ रहे हैं? Yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हम तो हमारे बच्चों को संडे के दिन कोई परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमको विश्वास है, मुझे विश्वास है, जिसने मुझे खिलाया मेरे बच्चों को खिलाया, मैं भूखा नहीं रह रहा हूं, मैं आनंद से जीवन दे रहा हूं, ब्लेसेड आशीष को मैं महसूस कर रहा हूं, अगर मुझे उसने ब्लेसेड किया तो मेरे बच्चों को ब्लेसेड करेगा।
संडे हमारे लिए केवल एक ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आज क्या होता है, संडे के अंदर संडे है, चलो स्विमिंग के अंदर संडे है, बच्चों को ऐसे ऐसे ट्यूशन के अंदर, चलो स्पेशल क्लास के अंदर, नौकरी के अंदर, काम के अंदर, संडे ये परमेश्वर का दिन, विश्राम का दिन, संडे ये पुनरुत्थान का दिन, संडे के दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ, और उस पुनरुत्थान को देखने के लिए हमें आना चाहिए। अब पुनरुत्थान कैसा, वचन का पुनरुत्थान, वचन के द्वारा पुनरुत्थान, इसलिए संसार में संडे क्यों मनाता है, क्योंकि ये पुनरुत्थान का दिन है। वो सैटरडे तो इसराइलियों के लिए सापा दिन है, लेकिन हमारे लिए ये पुनरुत्थान का दिन है। हम यीशु को देखना चाहते हैं ताकि हमारा भी पुनरुत्थान हो, इस हीन दिन देह पापी देह का भी पुनरुत्थान हो, जैसा यीशु का पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसा भी ये देह हीन दिन देह पुनरुत्थित हो। इसलिए हमें संडे के दिन आना चाहिए। यस आमीन। लेकिन संडे का महत्व नहीं है, संडे की आशीष नहीं है। थैली को कितना भी कमाओ, अगर थैली के अंदर छेद होगा, यहाँ पे आप इसमें डालते जाओ और वो गिरते जाएगा, डालते जाओ गिरते जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे तो आपकी थैली, आपका जीवन, आप वचनों से और परमेश्वर के आशीष से भर लोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करोगे। आशीष पैसे से नहीं होता, आशीष हमारे मन के अंदर, तन के अंदर आनंद, वो ऐसे वो खुशी के साथ, ऐसे प्रेम के साथ हमें भरना चाहिए। आजकल लोग बड़े होने के लिए, मैं बड़ा, बड़ा छोटा पड़ा, बड़ा वो है जिसके अंदर प्रेम, दीनता, नम्रता और सच्चाई है, वो बड़ा है। वो शायद अगर ये भी हो और इनके अंदर वो चीजें है, वे मुझसे भी बड़े हैं। बड़ा कोई नहीं है, बड़ा वो है जो दीन है, बड़ा वो है सच्चा है, बड़ा वो है नम्र है, बड़ा वो है प्रेमी है। कि मैं बड़ा, ये चूहे की रेस छोड़ दो, चूहे की रेस नहीं चाहिए हमें, चूहे की रेस तो खत्म हो चुके, अब हमें सच्चा यीशु, अगर बड़ा होकर स्वर्ग और पृथ्वी का, उसने पतरस के पैर धोया प्रेम के साथ, अपनी दीनता को नम्रता को दिखाया, तो अब हमें भी उस प्रेम को हमारे भीतर लाना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, हम सब बड़े हैं, अगर बड़ा है तो हमसे बड़ा यीशु है, बच्चे है। Yes, amen. उम्र से बड़े नहीं होते, आदर करना चाहिए, लेकिन ये चूबे की रेस का टाइम है, चूबे की रेस खत्म हो चुकी है, अब तो हमारे परमेश्वर का समय आ चुका है। अब हमारे परमेश्वर का समय है, जो व्यक्ति परमेश्वर, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, उसका सम्मान करो, उससे प्रेम करो, उसका आदर करो, ये है वो सब। Yes, man. मैं प्रेम है, चर्च को आज ये चूहे का समय, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं, इसलिए प्रभु ने आपको इन सारे चीजों से निकाला। बड़ा कोई नहीं है, प्रभु बड़ा, प्रभु का वचन बड़ा। हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी लायक ही नहीं है कि प्रभु के सामने, लेकिन उसने हमसे प्रेम, उसने हमारे लिए लहू पाया, हमारे पापों को ढाक दिया, हमारे अशुद्धताओं को ढाक दिया, और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाया, हमें एक पवित्र व्यक्ति बनाया, वो बड़ा। यस आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने आप भी औरों के, उसने जैसा प्रेम किया, हम भी ऐसा ही प्रेम करें दूसरों को। यीशु के प्रेम में कोई दाग नहीं, कोई खोट नहीं, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, एकदम पवित्र प्रेम। अगर वो प्रेम कर रहा है तो हमें भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए। yes. वैसा ही सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे आदर करना चाहिए, नम्र बनना चाहिए और सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। yes. ये सच्चा प्रेम और यही परमेश्वर ने सिखाया। पता हम हाँ। लोगों के साथ अपने जीवन को हम
मिलाते थे, बोला ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन कभी हमने पत्रस के साथ अपने जीवन को मिलाया? कभी बहनों ने कहा कि मैं क्यों ना सारा के जैसे बनू, क्यों ना मैं एस्तर के जैसा बनू, क्यों ना मैं रूद के समान बनू, क्यों ना मैं मरियम के जैसे बनू, क्यों ना मैं भाइयों ने कभी सोचा कि मैं पत्रस के समान बनू, मैं पौलुस के समान बनू, मैं विलियम मेरे ब्रानम के समान बनू। हमारे जीवन को कंपेयर मतलब हमारी तुलना संसार के लोगों से नहीं करना चाहिए, हमारी तुलना इस बाइबल के हीरो से करना चाहिए। yes, amen. इंसानों के जैसा बोलते, लेकिन डैनियल ने देखा कि 68 ईयर हो गए, अब टाइम में हमारे पास 70 सप्ताह पूरा होने के लिए, क्यों ना मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं फास्टिंग में जाऊं, क्यों ना मैं प्रेयर करूं और परमेश्वर के आत्मा से कर जाऊं। आज वैसा नहीं, फास्टिंग बोला तो हमको आपका कॉन्शियस आपको डराता है, आप मेरे साथ है? Yes, amen. एक बार एक भाई से बात कर रहा था, बोला ब्रदर आप फास्टिंग नहीं करते? बोला नहीं मैं फास्टिंग नहीं करता हूं, डॉक्टर ने बोला कि आपको चक्कर आ जाएगा, आप गिर जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ बताया। अच्छा आप ट्रेन में जाते हो? बोला बहुत लंबा लंबा जाते हो। बोला खाना खाते हो? बोला नहीं खाता हूं, सुबह से शाम तक नहीं खाता, बोला घर जाके अच्छा खाता हूं। तो दिन भर चक्कर नहीं आया, गिरा नहीं, तो यार प्रभु के लिए अगर फास्टिंग करेंगे कैसे करेंगे? बस में हम घंटों बैठते हैं या ट्रेन में घंटों बैठते भूखे पैसे, तब चक्कर नहीं आता है तो प्रभु के लिए चक्कर क्यों आने देगा? तब फास्टिंग नहीं होता है, तब भी उपवास ही होता है, लेकिन वो उपवास नहीं हमको प्रभु के लिए उपवास करता है। yes. प्रभु के लिए ट्रेन में चक्कर नहीं आने दिया, ट्रेन में आपके पेट में गड़बड़ नहीं होने दिया, तो जिस प्रभु के लिए आप उपवास करते हो वो प्रभु आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको मजबूत करेगा, विश्वास में ताकत लाएगा और वो आपको आगे बढ़ाएगा। yes. लेकिन आपका कॉन्शियस बुद्धि बोले नहीं नहीं कहकर वही पड़ता, डॉक्टर ने कहा कि गोली या उपवास करने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ कुछ नहीं, गड़बड़ शैतान का। yes. शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करें, शैतान नहीं चाहता कि आप सुधरे, शैतान नहीं चाहता कि आपका और प्रभु का रिश्ता बने, नाता बने, इसलिए शैतान आपको डरा धमका कर आपके कॉन्शियस को खराब करके आपको ऐसा कर देता है कि आप उपवास से तो दूर ही दूर, फिर उपवास से करते तो प्रार्थना भी नहीं करते। ये दोनों की भी जरूरत है, ये दोनों की जरूरत है आज चर्च को, हमें आपको। डॉक्टर बन गए हैं, यम के स्टमक के वर्क, यम से स्टमक आओ यम के स्टमक, समझे क्या? यस। और यम से स्टमक जाते हम लोग 4 घंटा तत्काल बैठते वहां पर, डॉक्टर नंबर आ जाता, ये फास्टिंग नहीं हो गई, हो गए ना कुछ, हो गए जिंदे तो गए, जिंदे तो वापस आए, नाम से फास्टिंग कर सकते हो, आप ट्रेन के नाम
से पॉजिटिव कर सकते हो, आप 10 के नाम से पॉजिटिव कर सकते हो, ये सब करने देगा, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से पॉजिटिव नहीं करते। क्यों मेरे भाई? अब वो समय आ चुका है हमारी तैयारी। यस, तैयारी। आपका कॉन्शियस को बाजू रखो, कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस आपका कुछ नहीं, लेकिन आप प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु के लिए अपने जीवन को वो लोग नहीं जानते प्रभु के सामर्थ को, लेकिन आप प्रभु के सामर्थ को जानते हैं। प्रभु के सामर्थ, प्रभु आप कौन से समय में है, कौन से घड़ी में, कौन से वक्त में है, आप प्रभु के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के लिए आप तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु के वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु ने चर्च को स्पिरिट दिया, चर्च को एक आत्मा दिया। कौन सा आत्मा? यीशु मसीह का आत्मा। हम क्या करते हैं? हम सो रहे हैं, उम्र है और हमारे पास, लेकिन चुने हुए लोग, जब परमेश्वर के चुने हुए लोग उनके पास पवित्र आत्मा जाते हैं। आज अगर हम प्रभु के वचन को तोड़ते इनकार करते हैं, अस्वीकार
से 16 तक पढ़िए। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष के बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं। क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे और मैं उनको उनकी कर्मी का फल भुगताऊंगा। इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। देखिए ये जो चीजें है, आप ध्यान से सुनिए कि जब इसराइलियों ने प्रभु के वचन को इनकार कर दिया, इसराइलियों ने प्रभु के वचन को टुकरा दिया, आज्ञाओं को टुकरा दिया, उन पर संकट आना शुरू हो गए, उन पर दुख आना शुरू हो गए, उन पर तकलीफ आना शुरू हो गए और उनको बाबलोन के राजा के हाथ दे दिया। ठीक है, ऐसे ही चर्च के भी साथ ऐसा, चर्च जब प्रभु के वचन से अलग होता है, चर्च जब प्रभु के भाई बहन प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं, प्रभु भी उनको अलाउ करता है उन सारे बातों को। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवाणी करने के लिए उन सारे लोगों को सारे राष्ट्रों को बताया, उसको कहा कि यार उनके पत्र जो मैसेज जो संदेश मैंने दिया है उन सारे राष्ट्रों के ऊपर जाकर प्रकट कर, क्योंकि ये समय है उन सारी बातों को प्रकट करने का, ये समय है वचन का अनुवाद करने का। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आप जाकर भविष्यवाणी कर और सारे राष्ट्रों को बता कि ये चीजें होने वाली है, क्योंकि आपने वचन को इनकार करने से परमेश्वर आपको किसी के हाथ में देने जा रहा है। ठीक है, ऐसा इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हमारे भी दिनों के अंदर वो सारी बातें, वो सारी भविष्यवाणी और सारी सच्ची बातें हम पर प्रकट किया ताकि हम परमेश्वर के आज्ञा और वचन के अंदर रहे, उसके वचनों को पूरा करें। अब वो समय बहुत पूरा होने आ रहा है क्योंकि अब हम अंतिम समय के एकदम निकट है, अंतिम समय के एकदम निकट है, इतने निकट है कि प्रभु कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। पुराना जनरेशन पुरानी पीढ़ी मर चुकी है, लेकिन प्रभु ने अब नई पीढ़ी को जिनको अपना देश अपना पवित्र आत्मा देने का वायदा किया है उनको आपको हम बुलाया। लेकिन इन अंतिम दिनों में कैसे लोग हैं? इन अंतिम दिनों के लोग भविष्यवक्ता कहता है कि जो परमेश्वर के सच्चे लोग जिनको पत्रियों के द्वारा प्रेषितों ने पत्रियों के द्वारा हम और सारे लोगों को चेतावनी दी कि देखो अंतिम दिनों में लोग ऐसे होंगे कि पवित्र आत्मा को इनकार कर, पवित्र आत्मा से वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया? आइए हम दूसरे तिमुथियुस इसका 3:4 से पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरे तिमुथियुस इसका 3:4। विश्वासघाती देखिए अंतिम दिनों में लोग कैसे विश्वासघाती, घमंडी, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले नहीं लेकिन सुख विलास, उनको सुख विलास चाहिए, उनको सारी आशीष चाहिए, उनको दुख नहीं चाहिए, उनको यीशु के नाम से कुछ तकलीफ नहीं चाहिए लेकिन उनको सुख और सुख और सुख विलास चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अंतिम दिनों में आएंगे इस तरह के पलटा उड़ाने वाले लोग, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने वाले लोग, लेकिन उनके दृष्टि में परमेश्वर के रस और कुछ बातें कुछ मत होगी। लेकिन देखिए ये सारी बातें परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर ने जो वचन में लिखा आज वैसे ही लोग है, लेकिन लोग भीड़ घमंडी, लेकिन परमेश्वर वो समय आता है कि जो जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया वो परमेश्वर उन्हें पलक झपकते ही तैयार करेगा और वे उठाए ले जाएंगे, क्योंकि ये
परमेश्वर का वचन उनको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जा रहा है, आप उसे ग्रहण करो, आनंद करो, स्तुति करो, उछल जाओ, परमेश्वर की महिमा करो, लेकिन एक समय आएगा कि वचन का आकार बढ़ेगा, फिर आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से वो पश्चिम जाओगे तो भी आपको वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन का आकार बढ़ने वाला है, और उस आकार के पहले हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको, लोग तो ये सब चाहते हैं, सुरविलास, थट्टा, मस्करी, बड़े बड़े माइंड, आज सुनने वाले ने आजकल लोग पास्टर को सिखा देते, लोग पास्टर को सिखाते, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा प्रभु ने किसी को नियुक्त किया है, किसी को अभिषेक किया उस काम के लिए प्रभु ने उस, लेकिन लोग आज इतने होशियार और ज्ञानी हो गए कि वे परमेश्वर के वचन सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, लेकिन वे खुद सिखाना चाहते हैं, ताकि लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको इसलिए हमारा मन पिता से और पिता का मन हमारी ओर होना चाहिए। आप समझ रहे मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम मलाकी की पुस्तक इसका चार अध्याय और पांच वचन पढ़े। भाई थोड़ा फास्ट पढ़ना, सहायता करना, दूसरे किसी को मिलता है तो देखो यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से, देखो उस यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन दिन के आने के पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को, मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, उन्होंने माता वो पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को उनके माता की ओर फिरेगा, पिता की ओर फिरेगा। देखिए भाई, पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिता की ओर फिरेगा। पिता कौन है? पिता एक ही है, वो परमेश्वर। यस, उसकी वो आपके मन को फिराएगा, और हमारा हमारा देश यहां का नहीं, हम यहां के नहीं,
हम तो यहाँ के थोड़े दिन के यात्री और परदेशी, लेकिन हमें यात्री और परदेशी के समान जीवन जीना है, लेकिन हमें संदेश के अनुसार, वचन के अनुसार हमारा जीवन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसलिए परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, मन नहीं लगाया, उसके आज्ञाओं को तोड़ दिया, तो उनको गुलाम बना दिया। लेकिन परमेश्वर अब वो ऐसी कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। आप देखिए कि जब मूसा का समय था तो मूसा ने क्या किया, लड़ाइया किया, उसको मारा, इसको जीता, ये सब किया, लेकिन जब मूसा का काम खत्म हुआ तब परमेश्वर भी यहोशू को भेजा। यहोशू मतलब उद्धार करता, यीशु मसीह उद्धार करता है, यहोशू का मतलब पवित्र आत्मा का साइन, मतलब उद्धार करता। और जब पवित्र आत्मा आया, जब यहोशू का समय आया, वो नबी कहता है कि वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया। yes. जब यहोशू मतलब पवित्र आत्मा चर्च में आएगा तब क्या करेगा, चर्च को भाई बहनों को तैयार करेगा, उनको तैयार करके किसके लिए तैयार, परमेश्वर का राज निकट आ चुका है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का राज। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का काम अब बहुत निकट आ चुका है। नबी क्या कहता है, 70 सप्ताह, अब 70 सप्ताह का समय आ चुका है। अब परमेश्वर, हम थोड़ा सा अगर मेरे साथ मैं आप लोगों का थोड़ा समय लूंगा, लेकिन ये क्या समय है जिसमें हम रहे, क्योंकि प्रभु ने चुने वो लोगों को ये बातें प्रकट की, क्योंकि नबी को भेजा इसलिए आपको ये सारी बातें बता चाहिए, ताकि आप प्रार्थना हो परंतु अनंत काल के जीवन में जाए, अनंत काल का जीवन मिले, अनंत काल की बातें मिले। अनंत काल की बातें कहां पर है, उसके वचन में। जो कोई उसके वचन को पकड़ता है, जो कोई उसके वचन को स्वीकार करता है, वो अनंत काल की बात नहीं है। yes. और कोई चर्च नहीं दे सकता, कोई पास्टर नहीं दे सकता, कोई पादरी नहीं दे सकता, कोई रेवरेंड नहीं दे सकता, कोई बिशप नहीं दे सकता। जो कोई परमेश्वर के वचन को मानता और सुनता है, उनको ही अनंत काल का जीवन। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दानियल की पुस्तक इसका 9:24 को पढ़ें। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानियों की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब 25 वचन पढ़े हैं। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर 24 और 28 समय वह नगर नष्ट के वह नगर ध्वस्त के समय के में फिर बसाया जाएगा। उन बातें ये हुए कि नेहमिया के समय नेहमिया ने उस नगर को बसाने की कोशिश किया। नेहमिया ने नेहमिया की पुस्तक में हम देखेंगे कि उसने तट को बसाने की कोशिश किया, शहर को बसाने की कोशिश किया, लेकिन आप प्रभु कहता है कि उस कठिन दिनों के अंदर प्रवक्ता आए, ये जो कठिन समय के अंदर उस नगर पे बसाया जाना चाहिए। कठिन समय कौन सा है, ये समय कठिन है और इस कठिन समय के अंदर परमेश्वर अपने उस नगर को बसाना चाहता है। कौन सा नगर, यरूशलेम नगर। यस आमीन, यरूशलेम शहर। और उस यरूशलेम शहर को बसाने के लिए स्वयं दानियल के पास गाब्रिएल स्वर्गदूत आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गाब्रिएल, अब ध्यान से सुनिएगा, उस नगर के पास, आज हमारे पास स्वर्गदूत नहीं आते, हमारे पास
ठीक से बाइबल से देखो, उस बड़े और भयानक दिन के पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। हमारे पास एक एलिया नबी है, उस नगर को बसाने के पहले, उस बड़े और भयानक दिन के पहले उसने एलिया नबी को भेजा, परंतु अब जो भूखे प्यासे, जो फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं और जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें समझा, प्रभु ने दानियल जब इस स्थिति में था, परमेश्वर ने गैब्रियल दूत को भेजा और दानियल से बातें करने लगा और दानियल को ऐसे ऐसे बातें बताया कि समय के समाप्ति से लेकर और समय के आरंभ से लेकर समाप्ति तक कैसा होगा, ये सारी बातें परमेश्वर ने दानियल को बताया। yes. अब सप्तम सोचे को पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा, वह उनके साथ कवनन करेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेलबलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। वहां पर घृणित वस्तुएं कंगूरे पर, अब ध्यान से ले कि जो मंदिर जो यरूशलेम बसाने जा रहा है, जो चीज परमेश्वर ने बसाया बनाया, वहां पर घृणित वस्तु कंगूरे जो मतलब लोम वहां पर अशुद्ध हो चुका है। किसी राजा ने आक्रमण किया और परमेश्वर के पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और वो मंदिर को किसी ने लिया और उसको डोम बना दिया। वो तो मंदिर है परमेश्वर का, सुलेमान का मंदिर, लेकिन एक राजा ने आकर उसको अशुद्ध किया और उस पर एक डोम है, डोम। लेकिन वो डोम उस मंदिर को बनाने के पहले, मतलब मंदिर को लेने के पहले उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करके मंदिर को जैसा परमेश्वर ने मूसा को नमूना बताया, मंदिर का नमूना किसका पता है उस पृथ्वी पर? सुलेमान का मंदिर, कौन उसका आर्किटेक्ट और उसका बनाने वाला और उसको उसका नकाशा किसने दिया? पृथ्वी पर जो भी चीज बनी है वो सारी चीजें मनुष्य ने बनाया, मनुष्य के दिमाग और मनुष्य के विचारों से बना। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी वस्तु है जो सुलेमान का मंदिर, जिसको स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन 40 वो दिन और रात को पार कर गया, परमेश्वर ने वो नकाशा दिया और उस नकाशे को लेकर वो पृथ्वी पर आया और वैसा ही मंदिर बनाया। ये किसी मनुष्य का विचार और बातों से नहीं, और उस मंदिर को सुलेमान मूसा ने वो जो नकाशा दिया था उसी नकाशे के अनुसार बनाया। उसके बाद में उस मंदिर को सुलेमान ने बनाया और वो सुलेमान का मंदिर जब इन्होंने परमेश्वर के वचन और आज्ञा को तोड़ दिया तब एक राजा के हाथ में गया। वो राजा ने उस मंदिर को अशुद्ध किया, उस मंदिर का गुम्बद को तोड़कर उसको डोम बना दिया, वो अशुद्ध हो गया। अब परमेश्वर उस मंदिर को, उस शहर को वापस बनाने जा रहा। अभी हमने देखा पिछले साल वो मार्च के अंदर परमेश्वर ने, इसी साल मार्च के अंदर वो जो मंदिर को भी इजरायली लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और सारी चीजें तैयार है। अब उनके पास वो रेड हेड पर लाल कलर की गाय भी मिल चुकी है जो मंदिर के लिए अर्पण की जाती है, उनके पास मिल चुके हैं और अब उसको अर्पण करने वाले लेवी भी, लेवी गोत्र के 3 लोग मिल चुके हैं। अब परमेश्वर का पूरी योजना तैयार हो चुकी है, पूरी योजना तैयार हो चुकी है, अब परमेश्वर उसको पूरा करने जाए। इसलिए उसके पहले हमको तैयार होना चाहिए, उसके पहले हमको प्रभु के पास जाना चाहिए। अब देखिए मत्तै की पुस्तक इसका 24 अध्याय 15 वचन क्या कहता है। भाई जल्दी पढ़ेंगे तो, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को इसकी चर्चा दानियल ने, उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसकी चर्चा दानियल की पुस्तक 9 अध्याय और 27 वचन के अंदर दानियल उस बात को कह रहा है और वही बात यीशु मसीह नए नियम के अंदर मत्तै 24 और 15 के अंदर कह रहा है, उस घृणित और उजाड़ने वाले वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी है, मंदिर को अशुद्ध किया गया। अब उस मंदिर को पवित्र करना चाहिए और
पवित्र करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ। अब देखिए वो अशुद्ध चीज, अशुद्ध वस्तुएं, अशुद्ध बातें परमेश्वर क्या करना चाहता है, साफ करना चाहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार ये सारी बातें होना चाहिए। क्योंकि वो सप्ताह का अभिषेक उस मेल बलि अन्य बलि को चढ़ाने से पहले, वो पूरे सप्ताह होने से पहले ही, आधे सप्ताह के अंदर ही यीशु ने कितने साल सेवा किया, अभिषेक कौन है, यीशु मसीह। 3.5 साल अन्य जातियों के लिए और 3.5 साल इसराइलियों के लिए, 3.5 दिन इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, 3.5 दिन हमारे लिए, मतलब 7 दिन का वो 70 सप्ताह का समय जो है, 3.5 उनको, 3.5 अब हमारे पास यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे बीच में काम कर रहा है। लेकिन इसराइली लोग, इसराइली देश उसका प्रिय है, अब वो वहां पर जाने जा रहा है। इसके पहले हम सब तैयार होना चाहिए, इसके पहले हम सावधान होना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और पवित्र जीवन जीना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमें आए, वास करे और हमें तैयार करे। प्रभु के एक एक वचन को स्वीकार करना चाहिए, वो नबी के एक एक संदेश को स्वीकार करना चाहिए, जो भी चीजें उनकी ठीक ठाक करना चाहिए। आप औरों को मत देखो, उनको नाश के लिए रखा है, आपको जीवन के लिए। इसलिए इस घड़ी के संदेश को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा और जीवंत है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7:4 जिन पर मोहर दी गई है वे, मैं उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइली संतानों के सब गोत्र में से 144,000 पर मोहर दी गई। 144,000 पे मोहर किया गया। हमारे 144,000 12 गोत्रों में से 12 गुना कर 12 144,000 इसराइली हो, जिन्होंने कभी अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने कभी शराब नहीं पिया, जिन्होंने कभी स्त्री के द्वारा अशुद्ध नहीं किया, ऐसे लोग परमेश्वर वो क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उनको सिक्का मार रहा है, उनको मोहर मार रहा है, ताकि वे 144,000 लोग वहां से उठाए जाए। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रुबेन के गोत्र में 7 अध्याय का नौ वचन पढ़ी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। खजूर की डालियां लेकर अपने हाथ में कौन से खजूर की डाली, याद आता है क्या आपको, कितने लोग खजूर की डालियां पकड़ चुके। मैं भी बचपन में खजूर की डालियां पकड़ चुका। अब यही खजूर की डालियां विश्वासी पकड़कर स्वर्ग में दिख रहे, लेकिन खजूर की डालियां किसके लिए पकड़ी जाती है, स्वर्ग में एक ही सिंहासन है, और वो एक ही सिंहासन पर मतलब स्वर्ग का मालिक एक ही है, स्वर्ग के मालिक 3 या 2 नहीं है, वो ही जिसको यहां पर पृथ्वी पर मत्तै की पुस्तक के अंदर जो उस पहाड़ पर यीशु मसीह बैठ के पहाड़ से जब गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा था तो उसके सामने लोग वो क्या किए, खजूर की डालियां पकड़कर होसन्ना होसन्ना चिल्लाने लगे। वही पवित्र लोग और ऐसे पवित्र लोग स्वर्ग के अंदर उस मेमना मतलब मेमना यीशु मसीह उस मेमने के पास में जो सियासत पर बैठा है उस खजूर की डालियों को लेकर क्या करेंगे, उसकी महिमा बढ़िया। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर बोलती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जय जयकार हो उस मेमने का, मेमना केवल यीशु मसीह है और उसका जय जयकार हो। यस आमीन। यीशु का पृथ्वी पर भी जय जयकार हुआ, स्वर्ग में भी वही मेमना सिंहासन पर बैठा है। उसी मेमने के सिंहासन पर सब लोग खजूर की डालियां लेकर बैठे।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अब हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, अब हमें उन सारे बातों से बाहर निकलकर उस जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रभु आपको उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जिनके हृदय में पवित्र आत्मा जल रही है वे कभी ठंडे नहीं हो सकते, जिनके हृदय में पवित्र आत्मा की आग जल रही है वे कभी भी बुझ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो सच्चे विश्वासी है, वो पवित्र आत्मा से भरे है और वो सिद्धांत और मतों के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो सिद्धांत और मतों के द्वारा जो विश्वासी बने वो बुझ जाते, हवा आई कि बुझ जाते, लेकिन जो पवित्र आत्मा के आग से बने हैं उनका हृदय की आग बुझ नहीं सकती। जब तक प्रभु न आए तब तक उनके आग बुझ नहीं सकती, पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, पवित्र जीवन से भरा होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। यस मीन प्रेज द लॉर्ड। सारे लोग वापस जाए। अब अंगूर के अब वो समय आ चुका है कि इज़राइल राष्ट्र हो गया, इज़राइल देश अपने देश में लौट चुका है। अब यहोवा परमेश्वर, वो जो परमेश्वर पिता, वो वापस इज़राइलियों के साथ फिर उन पर दया अनुग्रह करने जा रहा है। उस पेड़ को अब बढ़ आना शुरू होने वाले, उनका राष्ट्र हो गया और वे वापस मंदिर को बनाने का समय आ चुका है। लेकिन जो एंटी क्राइस्ट है, जो उनसे वापस वाचा बांधेगा ताकि वहां पर खड़ा रहकर वो सारी बातों के अंदर गड़बड़ी करे, लेकिन उसके पहले चर्च सावधान होना चाहिए ताकि हम वापस परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। यस yes. हमें वापस लौटना चाहिए, तैयार होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, परमेश्वर ने चर्च को क्या बात दिया कि अपराध खत्म करने के लिए, अपराध से अपराध को सुलह करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए, अंतकाल का अंतकाल की जो भी मतलब परमेश्वर और अनंत काल की धार्मिकता को लेकर आने के लिए, दर्शन और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए और सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक करने के लिए, सबको पवित्र। जब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा आप स्थिर नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए और जब अभिषेक आएगा तब आपका जीवन पवित्र आत्मा से भर जाएगा। अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है, अभिषेक की आवश्यकता है, अभिषेक की आवश्यकता है, और अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि आप सबको अभिषेक मिले और आप पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए, और जब आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक होगा तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? अगर आप एक आधे गंदी और बुरी चीज के पास जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको कहेगा ये प्रभु के विरुद्ध है, वचन नहीं है, तो प्रभु आपको सोचने। अगर आप पवित्र आत्मा आपके भीतर है तो पवित्र आत्मा वचन को तोड़ने नहीं देगा, पवित्र आत्मा वचन को पूरा करने देगा। पवित्र आत्मा आपके भीतर है तो आप वैसा ही जीवन जियोगे जैसा वचन है। पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध नहीं जाता, पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध नहीं बोलता, पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध नहीं करता। इसलिए आपका अभिषेक होना जरूरी है yes. और जब आपका अभिषेक रहेगा आप बिल्कुल पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं जाओगे। yes. पवित्र आत्मा आपको वचन को पूरा करने के लिए yes. और तब आप प्रभु के आत्मा से भरकर परमेश्वर के राज्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोज अपने आप को साफ करो, कैसे? वचन से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से, लहू से, यीशु मसीह के लहू से रोज गिरो। कोई पवित्र नहीं, हमसे गलतियां होती है, हम छोड़ बोलते हैं, हम लड़ाई या झगड़ा करते हैं, लेकिन अब लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, ये सब चीजें दूर कर देंगे। ये अशुद्ध चीजें, अशुद्ध चीजें, अशुद्ध विचार भी नहीं आएगा।
पवित्र आत्मा है ना, वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा, वो हर चीज को कंट्रोल करके आपको एक पवित्र जीवन जीने के लिए विवश करेगा। आपको बहकने नहीं देगा, आपको पाप में गिरने नहीं देगा। वो आपका अभिषेक इसलिए किया ताकि आप पवित्र जीवन जिये। यस आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आप थक गए क्या? नहीं। चंद ये लोग शद्रक मेशक अभिनव, ये तीन लोग बाबुल के देश में बैबलों, और बैबलों के अंदर जब थे तो वहां पर एक आइडल रखा गया, एक मूर्ति को रखा गया जिसकी उपासना आराधना करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हाथों के बनाए, परमेश्वर हाथों का बना है। जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया, आपको बनाया, उस परमेश्वर को मैं कैसा बना सकता हूं? मेरे हाथ कैसे बना सकते? नहीं बना सकते। वो जिंदा और जीवित परमेश्वर है, उसको कोई मनुष्य बना नहीं सकता। Amen. और जब उस बाबलोन के अंदर वहां के राजा ने नबूकदनेस्सर ये चेतावनी दी, ये ऐलान करवाया कि जो कोई इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको 7 गुना भट्टी के अंदर डाला जाएगा। कितने? 7। सारे लोग आ रहे नमन कर रहे, लेकिन वे तीनों नमन नहीं कर रहे। ये उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर यस, उनको धमकी भी दिया, डरा भी बोला कि नहीं हम आपको ऐसा करेंगे, राजा ऐसा करेगा, नहीं बोला मैं नहीं करूंगा। तीनों ने भी नमन नहीं किया, हमारा परमेश्वर बचाए ना बचाए, लेकिन हम नमन नहीं करेंगे। नमन नहीं करेंगे। और उनको राजा को मालूम पड़ा कि उन्होंने नमन नहीं किया, उनको पकड़ के 7 गुना भट्टी को गर्म करवाया। 7 गुना कितना? 7 गुना। और 7 गुना भट्टी को गर्म करने के बाद जो डालने वाले उनको लेकर गए, जो डालने वाले थे वे भी डालने के पहले जलकर राख हो गए, मट्टी गिर राख हो गए, झुलस गए, लेकिन ये अंदर गए और वे वहां पर बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आग ठंडी हो गई और उनमें से राजा तक तमाशा देख रहे। वो अरे हमने तो 3 डाला, 1, 2, 3, ये 4 को है, लेकिन जब 3 रखे गए तो 4 परमेश्वर इसमें प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। इसलिए यीशु ने कहा जा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। ये सच्चे विश्वासी थे और उन्होंने प्रभु को पुकारा और 4 परमेश्वर उत्तर कराया। की पुस्तक 3:25 लिखा है ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। Yes. परमेश्वर का पुत्र, पिता का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वो प्रकट हुआ, प्रकट होकर उनके साथ बोला, उनको बाहर निकालो, बोला आपका परमेश्वर जिंदा और सच्चा। Yes. क्योंकि परमेश्वर जब प्रकट होता है आग भी जला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। Yes. जिंदा परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। Yes. अगर ये वचन आपके भीतर है तो आपको जला नहीं सकता। जला नहीं सकता। Yes. Praise the Lord. Amen. बाइबल के अंदर याकूब नाम एक व्यक्ति था, सुना आपने? Yes. वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको बड़ी कड़ाई के अंदर डाला, बोला इसको फ्राई कर, उसको तेल की कड़ाई में डाला और उसको फ्राई कर रहे, लेकिन वो फ्राई नहीं हो रहा। आपके मेरे हाथ थोड़ा सा कड़ाई को तजे हो गए तो बाप रे कठिन होता है। उसको उबलते तेल के अंदर डाला,
और मोहल इतने देर के अंदर उसको पकाया लेकिन वो पक नहीं रहा, बेचारे थक गए, पका पका के थक गए और वो मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कोई जला नहीं सकता, पका नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं। यस, हमारे घर के अंदर सिख धर्म में से साधु सुंदर सिंह, यस, हमारे समय के अंदर अभी कुछ सालों पहले मेरे अंदर एक सच्चा विश्वास, सच्चा विश्वास, और वो जब प्रभु की सेवा कर रहा था, कर रहे थे, तो उनको एक बार हिमालय के उस तरफ कुछ लोगों ने पकड़कर चमड़े के अंदर से दिया, इसमें चमड़े के अंदर, और चमड़े को धूप में रख दिया, ओरिजिनल चमड़ा धूप के अंदर सिकुड़ जाता, अगर वो इतना होगा तो इतना होगा। क्या हुआ, चमड़े में जब उनको रखा गया तो चमड़ा सिकुड़ा नहीं, वो जैसा थे वैसे था। अब वो व्यक्ति जो परमेश्वर का एक भला संत था वो उसी स्थान में वो जिंदा, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का वचन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, मत नहीं सकते, यस, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से, जो वचन से भरे नहीं है, जो अविश्वास से भरे है, अशुद्ध जीवन से भरे, उनको तो तकलीफ है, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा से भरे, उन्होंने कहा हम जे या मरे लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं, हम केवल उस परमेश्वर के सामने झुकेंगे। स्वयं परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आया और उनके लिए, यस, प्रेज़ द लॉर्ड, आज सच्चे और जिंदे वचन के लिए आप तैयार हो गए और अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप बनाए, अपने आप को परमेश्वर के वो वचन के अनुसार बनाए, अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाओं में रखे, नियमों में रखे, और देखिए जीवन आपके पास है। प्रभु आपसे पैसा नहीं चाहता, आपके कपड़े नहीं चाहता, आपसे खाना नहीं चाहता, प्रभु क्या चाहता है कि आप केवल वचन के अनुसार, सरल है, वचन के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार, जब आप उसके आज्ञा और नियम को तोड़ते हैं आपको कष्ट दुख और तकलीफें आना शुरू हो जाती है। प्रभु लकड़ी से नहीं मारता, बैठ गया, प्रभु क्या करता है, आपको कष्ट और दुखों को लेकर के आता है, बोलता है कि वो सुधरने के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे तो फिर बीमारियों को लेकर आता, फिर भी नहीं समझ रहे तो ऐसे ऐसे परिस्थिति को लेकर आता है ताकि आप सुधरे। यस, आप समझे कि मेरी परिस्थिति ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप घर में कोने में जाके रो के प्रार्थना करो, प्रभु कभी भी आपके आंसुओं को पार नहीं करता। आप देखो, आप अपने बच्चों को मारो, वो नाटक भी करेंगे ना थोड़ा, तो आप तुरंत लकड़ी नीचे रखो, बोला देते और मेरा बेटा बेटी उन्होंने, अगर आप इंसान हो गए आप वो नाटक भी करने दो ना, वो बच्चों को वो नाटक भी करते, और जब वो शांत हो आप लकड़ी को बाजू रखते हो, वैसे ही आप जब रोते हो, तड़पते हो, चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, तब प्रभु आपके ऊपर से वो सारी चीजें ये हमारे हाथ में है कि हम प्रभु से कैसा करें। प्रभु के